हाय गाइस, स्वागत है आप सबको मिस्टर हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और ठंड आना चालू हो चुका है, और इस ठंड के मौसम में तरह तरह की नए नए सब्जियों का उत्पादन भी ज्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों, कुदरत की करिश्मा देखिए, गर्मियों के मौसम के तुलना में ठंड के मौसम में सबसे अधिक मात्रा में सब्जियों का उत्पादन होता है। ठंड के मौसम में तरह तरह के नए नए वैरायटी के सब्जियां उत्पादन होता है, उसमें से एक है मूली। जी हाँ दोस्तों, मूली का उत्पादन ठंड के मौसम में ही होता है, और अभी जो कि ठंड आ चुका है और बाजार में मूली भी मिलना चालू हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आज मैं आप लोगों को मूली खाने के फायदे के बारे में ही बताऊंगा। कई ऐसे लोग होता है जो कि मूली खाना बहुत ही पसंद करते हैं, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर मूली खाना पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको कहता हूँ, आप इसे देखने के बाद आज से ही आप मूली खाना चालू कर देंगे। दोस्तों, हमारे घर में मूली का इस्तेमाल तरह तरह के रूप से किया जाता है, पराठे के रूप से या सलाद के रूप से। आप कैसे खाना पसंद करते हैं मूली को, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को मूली खाने के फायदे के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। और आपको अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं मूली खाने के गजब फायदे के बारे में। दोस्तों, मूली जो होता है ये विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी जो कि हमारी स्किन के लिए तो जरूरी होता ही है, साथ में हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसे बूस्ट करने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो मूली खाने से स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग होता है। दोस्तों, मूली में फाइटोकेमिकल्स और एंथोसायनिंस नामक तत्व पाए जाते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। मूली ब्लड प्रेशर को नियमित करने में बेहद गुणकारी है। मूली में एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने में सहायक होता है। मूली में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम भी होता है जो शरीर में सोडियम पोटेशियम के अनुपात को बैलेंस करते हुए ब्लड प्रेशर बिगड़ने नहीं देता है। दोस्तों, मूली डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। मूली में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, वही इसमें मौजूद तत्व इंसुलिन को नियंत्रण करने में काम करता है। मूली से शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से ये मधुमेह पीड़ितों के लिए भी अच्छा होती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार सर्दी और खांसी की शिकायत बनी रहती है तो मूली आपके लिए कोई वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मूली सर्दी और खांसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि मूली में एंटी कॉन्जेस्टिव गुण पाए जाते हैं जो कि कफ को खत्म करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, मूली किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि मूली में डायूरेटिक गुण पाए जाते हैं जो कि किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और शरीर से विषैले तत्व को निकालने में भी एक कारगर होता है। इस वजह से इसे नेचुरल क्लींजर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, अगर आपका पाचन सही नहीं है, तो आपको भोजन के साथ इसे जरूर लेना चाहिए। आप इसे सलाद के रूप में अगर लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है और आपका पाचन से जुड़े हुए समस्या दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मूली खाने से इतने सारे फायदे हमारे शरीर को मिलता है, अब आप ही बताइए कि मूली खाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप में से किस किस को मूली पसंद है और किसको मूली पसंद नहीं है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।